सो फाइनली टॉप कॉलेजेस ऑफ इलाहाबाद की सीरीज खत्म हुई। नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले इलाहाबाद के कॉलेजेस का रिव्यू, और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल और टाइटल पे पढ़ लिया होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हम रिव्यू करने वाले हैं प्रॉपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा का एक मैं मंत्र जपता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज लाने के लिए। बात कर लें देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी बड़े लेवल पे इसका भी एक मतलब रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है। यहाँ से भी पढ़ना लोगों का सपना होता है, लोगों का प्राउड फीलिंग होता है, क्योंकि यहाँ ये जो कॉलेज है ना, ये काफ़ी पुराने समय से चल रहा है भारत में और काफ़ी वेल मैनेज्ड फॉर्म में चल रहा है। बात करें यहाँ पे एडमिशन की, तो एडमिशन यहाँ पे अलग अलग इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है, और एक दो कोर्स हैं जिसमें आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, वरना सभी कोर्सेज में आपको यहाँ पे इंट्रेंस बेस ही एडमिशन मिलता है। क्योंकि भैया एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे लोग पागल होते हैं, क्योंकि एक सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ से पढ़ना लोगों का सपना होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो। तीन इंट्रेंस एग्जाम होते हैं मोस्टली यूजी के लिए। अभी पहले तो देखिए आपका इसका खुद का इंट्रेंस एग्जाम होता था, लेकिन अब ये CUET के थ्रू ही एडमिशन लेने लगा है, ठीक है, ये भी कॉलेज। और आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होता है PAT के, आपका PGT के लिए, तो वो है आपका AUPGAT, और एक और है जो कि आपका प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए होता है, वो है आपका CREET, ठीक है, इसके थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होता है। इस कॉलेज से मैं आपको बता दूं तो 10 से प्लस अफिलिएटेड कॉलेज हैं इलाहाबाद में, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 10 से ज़्यादा कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं, ठीक है। आप तो समझ सकते हो कि इसकी क्या ही रेपुटेशन होगी, ठीक है। जितने भी मैक्सिमम कॉलेजेस आपको मिलेंगे प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, मैक्सिमम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही अफिलिएटेड हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। फैकल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा, मतलब बोल सकते हो कि अगर आप यहाँ से पढ़ने के माहौल से गए हो और आप मान लो अगर कोई भी BA करना चाहते हो या MA करना चाहते हो, तो यहाँ की फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी हैं। सिविल की तैयारी करना चाहते हो तो ये कॉलेज काफ़ी अच्छा माना जाता है। लॉ की तैयारी करना चाहते हो तो भी ये कॉलेज काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। बात करें यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से चलते हैं, तो कोर्सेज के लिए मैं आपको चाहूँगा कि आप लोग पेन कॉपी लेके लिख लें अगर आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो। BTEC में आपको दो ब्रांचेज मिल जाएंगे, CSE और EC, यहाँ पे BTEC भी आप कर सकते हो। BTEC के बाद BCA कर सकते हो, VOCAL आप कर सकते हो, PGDM यहाँ पे कर सकते हो, PGDM भी अवेलेबल है, PGDC अवेलेबल है यहाँ पे, BSc अवेलेबल है, BA अवेलेबल है, BPE अवेलेबल है, ठीक है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, BCOM अवेलेबल है, MSc अवेलेबल है, MVOCAL अवेलेबल है, MED अवेलेबल है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका ये MTech अवेलेबल है, PhD अवेलेबल है, ठीक है, MPhil अवेलेबल है, DPhil अवेलेबल है, और MBA कोर्स भी यहाँ पे अभी तक ऐड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे इतने कॉलेजेस जो कि यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। अब थोड़ी सी हम बात कर लें यहाँ पे इन्वायरमेंट की, तो देखो इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है पढ़ाई का, बट अगर आप बात करो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, तो थोड़ा ओल्ड मॉडल है, जैसा कि आप सभी लोग तो देखा ही होगा, और नहीं देखा तो अभी आप देख सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी ओल्ड मॉडल है, लेकिन एक अच्छा वेल क्वालिफाइड फॉर्म में चल रहा है, रेपुटेटेड फॉर्म में। अगर आप एक करियर चाहते हो अपना, सिविल की तैयारी करना चाहते हो, UPSC की तैयारी करना चाहते हो, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, तो इस कॉलेज को आप परस्यूट कर सकते हो। प्लेसमेंट की थोड़ी बात करें, अगर आप टेक्निकल कोर्सेज यहाँ से कर रहे हो, जैसे कि BCA हो गया, MBA हो गया, BTEC हो गया, तो यहाँ पे आपको ठीक ठाक प्लेसमेंट मिल जाएगा। कुछ कंपनीज की मैं बात करूँ जो यहाँ पे आती हैं आपको एक्वायर करने के लिए, तो सबसे पहले नंबर पे आता है प्रिज्म सीमेंट हो गया, TCS हो गया, एक्सिस इंस्टीट्यूट हो गया, आपका इम्बिड हो गया, इम्बिड जो कि आपका रिलायंस का एक पोर्टल है, वेंचर है, इन्फोसिस हो गया, और भी बहुत नई नई कंपनी जा रही, क्योंकि ये जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, अब इन्होंने प्लेसमेंट भी स्टार्ट कर दिया, मतलब कि कंपनीज को भी ऑफर करना शुरू कर दिया, कंपनीज भी यहाँ पे आनी शुरू हो गई हैं, तो यहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल जाएगा। अभी तक यहाँ पे जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है वो आपका 6 लाख के करीब, 6 से 7 लाख के करीब गया है, ठीक है। और एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो आपको 3 से 6 लाख का प्लेसमेंट, आपको एक एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये था प्रॉपर रिव्यू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। आशा करेंगे कि प्रॉपर रिव्यू देख करके आपको अच्छा लगा होगा। अगर मैं अपनी खुद की रिकमेंडेशन की बात करूँ तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, यहाँ से आप एडमिशन लेकर के काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, अपना एक करियर बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा, कोई भी जुगाड़ या कोई भी डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करें, एंट्रेंस को क्वालिफाई करें, एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करें, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के अपना सपना पूरा करें, अपना करियर को और भी सक्सेसफुल बनाएं, और भी करियर में आगे बढ़ें, हमारी यही मनोकामना रहेगी।
भगवान से, और यही दुआ रहेगी कि आप लोग ऐसे ही हंसते रहें और अपने कैरियर में आगे बढ़ते रहें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट आप किस कॉलेज का रिव्यू चाहते हो। मिलता है ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।